हेलो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड गुड एट योर होम। सो नाउ टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व अवर असाइनमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर वी हैव डन। ओके, सो चैप्टर नंबर 4, दैट इज सॉइल। सो दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द सॉइल चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट। विच लेयर मेक्स अ सॉइल फर्टाइल? सॉइल कि कौन सी लेयर है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, सॉइल को फर्टाइल बनाती है। सॉइल की बहुत सारी लेयर होती हैं, ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर एंड ह्यूमस। ओके, सो इनमें से जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है वो कौन सी लेयर होती है? ह्यूमस। ह्यूमस जो होती है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है। ओके, राइट नेम ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। ये 3 टाइप की सॉइल होती है। विच सॉइल इज गुड टू ग्रो प्लांट? प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है? लोमी सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि लोमी सॉइल जो होती है तो प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल जो होती है वो कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोमी सॉइल जो होती है उसके अंदर ह्यूमस होता है और वो वाटर और एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए जो लोमी सॉइल होती है उसी सॉइल वो सॉइल जो होती है सबसे बेस्ट होती है प्लांट ग्रो करने के लिए। विच सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर? ओके, 3 टाइप की सॉइल होती है, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो एक सॉइल होती है जो पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती और एक होती है जो पानी को होल्ड करके रख सकती है। तो जो पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती वो कौन सी सॉइल है? वो सैंडी सॉइल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशियस होती है, उसमें बहुत स्पेस होती है जिसकी वजह से वो पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती। ओके, विच सॉइल डज नॉट हैव एयर? वो कौन सी सॉइल है जिसमें एयर बिल्कुल नहीं होती है? ओके, मैंने क्या बताया अभी, सैंडी सॉइल में बहुत ज्यादा स्पेस होती है इसलिए वो पानी होल्ड करके नहीं रख सकती। लेकिन एक सॉइल होती है जो बहुत ज्यादा, जो बिल्कुल भी एयर होल्ड करके नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती एयर होल्ड करने के लिए। कुछ जब भी अगर किसी भी बलून है, बलून में आप जब एयर भरते हो तो वहां पे स्पेस होती है, बलून बड़ा हो जाता है, स्पेस होती है, तभी तो बलून एयर उसमें फिल होती है ना। तो जहां पे स्पेस ही नहीं होगी वहां पे एयर कैसे जाएगी? तो जो क्लेई सॉइल होती है उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती कि वो एयर को होल्ड करके रख सके। ठीक है, विच इज कॉल्ड, हु इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड एंड व्हाई? सो फार्मर फ्रेंड्स हम किन्हें बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? फार्मर फ्रेंड्स जो भी एनिमल्स जमीन में रहते हैं, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहते हैं, वो सारे यूजफुल भी होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं वो यूजफुल नहीं भी होते। लेकिन जो यूजफुल होता है वो फार्मर्स फ्रेंड है। और कौन है वो? अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म इज द फार्मर्स फ्रेंड। वाई? बिकॉज जो अर्थफॉर्म होता है वो टनल्स बनाता है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से क्या होता है उसके अंदर स्पेस होती है, और स्पेस होती है तो वो वाटर और एयर को होल्ड कर लेती है, और इसके साथ उसके अंदर ह्यूमस, वो जो अर्थवर्म होता है वो ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, जिससे कि सॉइल जो होती है और ज्यादा फर्टाइल भी बन जाती है। विच सॉइल इज डार्क इन कलर? ओके, कौन सी सॉइल होती है जो डार्क कलर की होती है? हमने सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, विच लेयर मेक्स द सॉइल फर्टाइल, इसमें हमने पढ़ा था ह्यूमस के बारे में। तो ह्यूमस में क्या होता है? डेड एनिमल और प्लांट्स के कंटेंट होते हैं, राइट? तो जिसकी वजह से वो डार्क कलर का होता है। तो कौन सी सॉइल जो होती है वो डार्क कलर की होती है? जिस सॉइल में ह्यूमस होगा वो डार्क कलर की होती है। तो ह्यूमस कौन सी सॉइल में होता है? जो सॉइल फर्टाइल होगी, तो फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे ज्यादा डार्क कलर की होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ओके, मेक अ चार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप शो करोगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है। ओके, वैदरिंग जो प्रोसेस होता है, जैसे कि जो पहले रॉक्स जो होते हैं जिनको हीट लगती है, उसके बाद उनको कोल्ड को, जो बारिश होती है उसकी वजह से वो ठंड, फिर कोल्ड हो जाते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, उसके बाद फिर उसमें जहां पे भी स्पेस मिलती है वहां पे छोटे से प्लांट ग्रो करना शुरू करते हैं, एनिमल्स उसमें जाते हैं, वो और छोटे छोटे प्रोसेस में रॉक्स को डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक सॉइल के लेयर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आपको एक चार्ट पेपर में शो करके दिखाना है। हियर यू कैन सी दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यू हैव टू शो दिस इन अ चार्ट पेपर, गेट इट? नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो
राइट नेम ऑफ एनी टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको दो ऐसी चीजें लिखनी है जो लिविंग हो और दो ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग होती है. लिविंग कौन सी चीजें होती है? आई टोल्ड यू देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच टेल्स द वेदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग. लाइक लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस, कैन मूव एंड कैन फील. ये सारे लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. तो कौन कौन से हुए? ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? लिविंग्स में आते हैं. लाइक नॉन लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट फील, दे कैन नॉट ब्रीथ, ओके, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग की होगी. तो कौन से हो जाएगा? रॉक्स हो गया, रिवर हो गया है, और आपके नॉर्मल फर्नीचर्स हो गए, ओके. ये सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं. हु कैन मेक देयर ओन फूड? ओके, लिविंग और नॉन लिविंग में आप तो आपके पढ़ लिया. अब उसके बाद हम बताएंगे फूड कौन प्रिपेयर कर सकता है. अच्छा, आपके घर में आपका फूड प्रिपेयर कौन करता है? आपकी मदर करती है, राइट? तो वो भी कहीं फूड लाती हैं, है ना? फूड लाते हैं तभी तो फूड प्रिपेयर होता है. फूड कहाँ से हमें? सब्जियों से मिलता है. तो सब्जियां है ना, तो जो प्लांट होता है वो हमें फूड देता है. प्लांट देता है ना, तो प्लांट क्या खुद से बनाएगा तभी तो हमें देगा. तो ओनली प्लांट कैन प्रिपेयर मेक हिज ओन फूड. ओनली प्लांट कैन मेक इट्स ओन फूड. प्लांट ही होता है जो अपना फूड खुद से बनाता है. क्यों बनाता है आपको पता है? क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा वो एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो सो प्लांट इज द ओनली लिविंग थिंग विच कैन मेक इट्स ओन फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है. बाकी कोई अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है. बाकी कोई चीज खुद हीट को खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. ओके, तो इसीलिए प्लांट इज ओनली द लिविंग थिंग विच कैन मेक इट्स ओन फूड. विच प्लांट क्लोज इट्स लीव्स व्हेन वी टच इट? वो कौन सा प्लांट है जो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है? ओके, आई टोल्ड यू दैट लिविंग थिंग्स कैन फील. वो फील कर सकते हैं. तो जैसे ही हम प्लांट को टच करेंगे तो वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो वो कौन सा प्लांट है? टच मी नॉट. जो टच मी नॉट है वो अपनी लीव्स को तुरंत क्लोज कर देता है. ओके, नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन प्लांट एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल्स के ब्रीदिंग ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? पहले हम प्लांट की बात करेंगे. तो प्लांट का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है? स्टोमेटा. स्टोमेटा प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा से अपनी जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस. ओके, और एनिमल्स में बहुत सारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग टाइप के. अकॉर्डिंग टू एनिमल्स डिपेंड करता है कि कौन एनिमल कैसा है. तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं लाइक फिश का गिल्स होता है ना. मॉस्किटो, कॉकरोचेस, ग्रास ऊपर इनकी जो एयर होल्स होते हैं इनकी बॉडी में तो वो वहां से ब्रीथ करते हैं. ह्यूमन जो होता है वो लंग से ब्रीथ करता है. ओके, तो अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. ओके, विच ऑर्गन हेल्प फिश टू स्विम? कौन सा ऑर्गन है जो फिश को स्विम करने में हेल्प करता है? फिन्स एंड टेल. फिश की जो फिन्स और टेल्स होते हैं वो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं. विच प्लांट टर्न टूवर्ड्स द सन? वो कौन सा प्लांट है जो सन की तरफ मुड़ जाता है? ओके, कौन सा प्लांट है? सनफ्लावर. इसीलिए उसका नाम सनफ्लावर है बिकॉज वो जो सन जैसे जैसे सन मूव करता है वो अपना फेस सन की तरफ मूव करता है. नेम द एनिमल विच ले एग. आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो एग देते हैं. आपने देखा है जो काव होती है ना, ये सब तो बेबी को बर्थ देते हैं, है ना. लेकिन इंसेक्ट हो गए, कॉकरोचेस हो गए, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, है ना, ये सारे जो होते हैं वो एग ले करते हैं. ओके, कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ प्लांट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अ चार्ट पेपर. आपको क्या करना है? पिक्चर्स कलेक्ट करनी है लिविंग और नॉन लिविंग की. अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलती हैं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो और उसको कलर करके अपने एक A4 शीट में या चार्ट पेपर में उसको पेस्ट करिए और बताइए उसका नाम और अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग डिविजन में करिएगा कि आपको पता रहे ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है. ओके,
सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के दो मेन पार्ट्स बताइए। प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं रूट और शूट। रूट और शूट जो होते हैं प्लांट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो शूट है वो अलग अलग उसमें डिवाइड किए गए हैं। रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, और शूट जो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है उसे हम शूट बोलते हैं। नेम टू टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट। प्लांट की दो टाइप की रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है और एक टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट जो होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड जैसे निकले होते हैं, इसलिए उसे फाइब्रस बोला जाता है। और जो टैप रूट होती है वो एक ही मेन रूट होती है, और उस मेन रूट में से बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है उसकी कोई मेन रूट नहीं होती, वो बहुत सारे फाइबर्स में निकली होती है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे धागों जैसे, थ्रेड जैसे निकली होती है। इसलिए नेम द रूट ऑफ द प्लांट विच वी ईट। वो कौन सी रूट है जिसको आप ईट करते हो, उसके नाम लिखने हैं। रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है, इनको आप ईट भी करते हो। विच इज द मेन पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। स्टेम में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्रांचेस हो गए, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, बर्ड्स हो गया, लेकिन सबसे और लीफ भी हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? लीफ, क्योंकि लीफ जो होता है वो हमें फूड प्रिपेयर करके देता है, ओके। इसीलिए लीफ जो होता है स्टेम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेम अ क्रीपर एंड अ क्लाइंबर। आपको एक क्रीपर और क्लाइंबर का नाम बताना है। क्रीपर कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, क्रीपर जो अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं, क्लाइंबर जो किसी के सपोर्ट के साथ ऊपर अपवर्ड की तरफ ग्रो करते हैं। तो क्रीपर कौन से हो गए, लाइक वाटरमेलन, पम्पकिंस, दे ऑल आर क्रीपर। क्लाइंबर कौन कौन से हो गए, मनी प्लांट हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये कौन क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ओके। विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरीज फूड वाटर एंड मिनरल्स। फूड वाटर मिनरल्स ये तीनों चीजें कौन सा पार्ट होता है जो कैरी करता है, ये तीनों चीजें एक ही पार्ट कैरी करता है, कौन है वो, स्टेम। सबसे पहले स्टेम रूट से वाटर और मिनरल्स को लेके कहाँ पे सप्लाई करता है, लीव्स को सप्लाई करता है। उसके बाद जब फूड बना लेती है लीव विद द हेल्प ऑफ वाटर, वही वहां से फिर वो फूड को ऑल बॉडी पार्ट्स में स्टेम के थ्रू सप्लाई करता है वापस से, ओके। विच गैस इज गिवन आउट बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो वहां से प्लांट ब्रीथ करता है, तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वो जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ओके। विच प्लांट पार्ट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। प्लांट की फूड फैक्ट्री हम किस पार्ट को बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि जो लीव्स होती है वही फूड प्रिपेयर होता है पूरे प्लांट का, इसीलिए उसे हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। विच फ्रूट हैव मैनी सीड्स। आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, ओके, तो उसमें से उस फ्रूट का नाम लिखिए जिसमें बहुत सारी सीड्स होती है, लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, ओके, पपाया, ऑल दे हैव मैनी सीड्स, सो यू हैव टू राइट दीज नेम्स। नेम टू एडिबल सीड्स। दो एडिबल सीड्स के नाम लिखिए जो आप ईट करते हैं, लाइक कौन कौन सी होती हैं, राइस, ग्रेन, कॉर्न्स, ये सब एडिबल सीड्स होती हैं जिसको आप ईट करते हो। ड्रॉ चार्ट पेपर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लेबल इट। आपको एक प्लांट बनाना है, उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने हैं, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, और उनको लेबल करना है। कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ एंड पेस्ट इट ऑन ए फोर शीट। आपको क्या करना है, आपके घर में गमले होंगे या पौधे लगे होंगे, आसपास नहीं जाना है, घर के अंदर ही रह के आपको अलग अलग प्लांट की लीव्स जो है कलेक्ट करनी है, उसको एक कॉपी के अंदर रख दीजिए थोड़ी दिन के, दो दिन के लिए। उसके बाद वो क्या हो जाएंगी, वो ड्राई हो जाएंगी। जब वो ड्राई हो जाएंगी उसको आप एक A4 शीट पे चिपकाइए, और अगर आपको कलरफुल लीव्स मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डिफरेंट कलर की लीव्स भी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज वी हैव डन विद असाइनमेंट। Have a nice day. Be safe at home. Thank you.